ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे, एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये तीन सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। माननीय, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम, पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है, व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है। और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। माननीय, कानून में आज इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशन जितने भी होंगे, इसकी कल्पना करकर हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्ज करने के लिए सारे प्रोविजन इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं, और सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जल्दी न्याय बने इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गृहमंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष, एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। माननीय, ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी है। माननीय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नए जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड, कम्युनिटी सर्विस का पेनल्टी देने का काम किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट को 167 धाराएं थी, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं, 6
छह उपधाराएं जोड़ी गई हैं और छह धाराओं को हटाने का काम भी करा गया है। इस देश में अभी तीन प्रकार की न्याय प्रणाली है, कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। एक कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व और उसको कंपलसरी करने का काम किया है, क्योंकि न्याय प्रणाली का में किसी निर्दोष को अन्याय हो जाए या तो किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों किस्सों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वो ही लोग करते हैं जो वो गलती जो हुई है, मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो ही निर्णय करते हैं अपील करनी या नहीं करनी जिसने ये गलती की है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है या नहीं है उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा, निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है, जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहां है हमें मालूम ही नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। मान्यवर, इस तरह से मैं आगे बाद में बताऊंगा, परंतु ढेर सारी चीजों को हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी इस कानून के माध्यम से काम किया है। और विक्टिम सेंट्रिक कानून जब मैं कहता हूं, तब मान्यवर हमने ढेर सारा विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 तो अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार खंड 173 93 और 230 में दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती, जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्यवर किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। मान्यवर, हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। मान्यवर, भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिला और बच्चे के प्रति अपराध के नाम हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है, तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था,
क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। माननीय उनको फांसी की सजा, गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है, और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। माननीय बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी, सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है, तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को। हमारा वादा था माननीय इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे, आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धाराएं और इस सम्माननीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे? आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है, जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है। माननीय इसकी व्याख्या की है, क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो यह घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? मगर मन में एक भय पड़ा है माननीय, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है, और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए, कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है। उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, कानून तो
लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे। और सबसे ऊपर कोर्ट है, अगर किसके ग्रीवेंसेस थे तो ये आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कोर्ट के ऊपर तो नहीं है, धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांसा करेगी। मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है, कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है, 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी, एक सरकारी वकील उनकी पेर भी करेगा, फांसी भी होगी, जन्म टिप्पणी, और जिससे वहां से वापिस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते, पहली बार अपराध करने को एक तिहाई सजा का जो प्रोविजन है, एक तिहाई अगर अंडर ट्रायल कर लिया तो इसको मुक्ति दे सकते हो, और बाकी सभी मामलों में वन हाफ किया है, जो गंभीर प्रकार के हत्या डकैती ऐसे मामले हैं। जजमेंट सालों सालों तक महीनों तक नहीं आता था, अब हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिन के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा, वो इससे ज्यादा लेट नहीं करता। मान्यवर, जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है, और सजा निर्णय देने के 7 दिन के अंदर ही सुना देनी पड़ेगी, उसको आप लिंगरिंग नहीं कर सकते। मान्यवर, फिर दया याचिका के मामले आते थे, सालों तक दया याचिका करते ही नहीं, और दया याचिका कोई एनजीओ करता था, कोई दूर दूर के लोग करते थे, जिसका कोई दया तो वही मांग सकता है जिसको दंड मिला है, दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज करने के 30 दिन के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी, बाद में आपको इसका अधिकार नहीं रहेगा। राज्यपाल, सरकार सबके लिए यस और नो कहने का समय का प्रावधान भी इसमें हमने मान्यवर तय कर दिया। किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध को किसी के सामने वर्णन करना मान्यवर बड़ी संकोच की बात होती है। आज ई एफआईआर से हर कोई कर सकता है, मगर कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करा सकती है, उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही घर पर आकर इसका जवाब लेने की व्यवस्था महिला पुलिस के साथ इस कानून के तहत। नए विधेयक के अंदर ई एफआईआर का जो हमने जिक्र किया है, इससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने मान्यवर बहुत तवज्जो देकर इसको कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगह पे हमने पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरण में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है। पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही इससे निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। मान्यवर, एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का हमने कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए।
एविडेंस, तलाशी और जब्ती, तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग की हमने कंपलसरी प्रोविजन किया है। कोई भी घर पे जाकर पुलिस जब्ती करती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करते हो उसका भी हो जाएगा और तलाशी का भी हो जाएगा। इससे कोई किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और बलात्कार के मामले में भी पीड़िता का बयान कंपलसरी करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, वो लेना ही पड़ेगा, ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जिससे वकदार आदमी आने के बाद वो बयान को बदलवा नहीं सकता। मान्यवर, दूर दूरस्थ के गांवों में बयान तो ले लीजिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने करा है तो बयान को बदल भी दिए जाते। अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी तीन कॉपी तीन जगह पे, एक हॉस्पिटल में, एक पुलिस थाने पर और एक न्यायाधीश के यहाँ 24 घंटे में पहुंचानी है, जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मान्यवर, सबसे बड़ा जो मैंने कहा ट्रायल इन एब्सेंसिया, कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ा आवाज भी उठाया है, ज्यादातर तो बाहर थे तो बहुत नहीं उठ पाया, वरना तो हर एक बोलता। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं मान्यवर, गुनाह कर जो देश के बाहर भाग गए हैं, इनके प्रति क्या सिंपति है आपकी? भाई मुझे बताइए तो, सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं, कश्मीर में आतंकवाद कर पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं, क्या इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत सार्प क्वेश्चन है, क्या सिंपति है आपकी इसकी? अब नहीं बख्शा जाएगा, आप आओ ना आओ आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। और अगर न्याय ही चाहिए तो कानून की शरण में आइए, भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति की न्याय की सुविधा है, न्याय मिलेगा। अगर मालूम है न्याय में सजा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए, मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह करकर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया, और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता।